हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल इमटेक टेक्निकल पे। दोस्तों, आज मैं व्हाट्सएप से संबंधित एक न्यूज़ लेके आया हूँ, जिसको आप ये समझ सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप से बात करने पर भी लगेंगे पैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा थंबनेल खुला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आ रहा है कि व्हाट्सएप से अगर कॉल करेंगे तो आपको लगेंगे पैसे। ठीक है, तो वो न्यूज़ क्या है और वो कब का न्यूज़ है, मैं आपको आज बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ रहा है कि टेलीकॉम बिल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है टेलीकॉम बिल, क्या व्हाट्सएप से कॉल करने पर भी लगेंगे पैसे, इंटरनेट पैक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, ये न्यूज़ आपका है 24 सितंबर 2022 12:32 PM पे ये जो न्यूज़ है ये निकल के आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो न्यूज़ क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि सरकार क्या चाहती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि आखिर सरकार इनसे क्या चाहती है। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दरअसल सरकार नए टेलीकम्युनिकेशन बिल पर काम कर रही है। इस बिल में सोशल मीडिया ऐप्स, इंटरनेट आधारित कॉलिंग ऐप को भी कानून के तहत लाने की प्लानिंग चल रही है। अभी तक इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, लेकिन नए बिल के आने के बाद भी इन्हें लाइसेंस लेना होगा। तो यह सरकार, आप देख सकते हैं, सरकार यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी जो भी ऐप्स यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया पे, जैसा कि आप देख सकते हैं फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, यानी जो भी सोशल ऐप के थ्रू कॉलिंग हो रही है उनको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस के आधार पे ही आपको ये जो कंपनियां हैं उनको चलानी पड़ेगी। दोस्तों, उसके बाद अगर यहाँ पे एक और न्यूज़ की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नया बिल के आने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ड्यू और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को सरकार से लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए मोटी फीस भी लेनी होगी। आप देख सकते हैं फीस भी ली जाएगी, मतलब जो लाइसेंस लिया जाएगा उसके लिए एक मोटा फीस गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी इन ऐप्स को। हालांकि सरकार चाहे तो लाइसेंस फीस को माफ़ भी कर सकती है। देखिए, यहाँ पे एक ये भी ऑप्शन निकल के आ रहा है कि अगर सरकार चाहे तो उस लाइसेंस का जो फी है उसको माफ़ कर सकती है। हालांकि लाइसेंस फीस कितनी होगी इस संबंध में कोई फिलहाल भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे आ रहा है कि अब बिजनेस का सीधा फंडा यही है कि यदि कारोबारी को अपनी सेवाओं के लिए पैसे देने पड़ेंगे तो वही उसकी भरपाई अपने ग्राहकों से ही करेगा। बात तो सही है, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी ऐप या कोई भी प्रोवाइडर पे अगर किसी तरह का कोई पैसे लगते हैं, यानी सरकार की तरफ से कोई भी शुल्क लगता है, तो पूरा कोशिश रहती है कि वो जो प्रोवाइडर है, वो जो ऐप्स कंपनी है या कोई भी कंपनी है, वो पैसे अपने ग्राहकों से ही वसूलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि Amazon प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लेक्स हॉटस्टार से लेकर नेटफ्लिक्स तक फिलहाल इसी मॉडल पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। यह भी संभावना है कि नए बिल के आने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ड्यू और टेलीग्राम जैसे ऐप्स की कुछ सेवाएं फ्री होगी और अन्य के लिए पैसे देने पड़ेंगे। यानी कुछ कुछ सेवाओं पे जो है वो फ्री रहेंगे और कुछ कुछ सेवाओं पे जो है वो कस्टमर को जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी के दौर में व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया के जो ऐप हैं, खास करके इन चारों पे, तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप वो सेवाएं फ्री समाप्त हो गई है। आपके मोबाइल में इंटरनेट हो या ना हो इससे उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट, देखिए, इन सारे ऐप्स को चलाने के लिए इंटरनेट तो चाहिए, बात सही है, लेकिन इंटरनेट के रहने के बावजूद भी अगर आप इन सब ऐप्स को अगर आप एक्सेस करते हैं तो उनके लिए जो है आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा कंपनी को। उसके बाद ही आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर आदि जो है आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सरकार की ये क्या नियम है, मैंने आपको बता दिया क्या इसमें
रूल्स लगाए जा रहे हैं और इनके जो फ्री जो सेवाएँ थी वो सरकार बंद कर रही है। सरकार के कहने का ये तात्पर्य है कि अभी आप जो भी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर ये कंपनियां लाइसेंस लेती है तो आप उसको एक्सेस कर पाइएगा, और अगर सर कंपनियां अगर इसको लाइसेंस को अगर आप लेती है तो वो ग्राहकों से ही अपना पैसा जो है वो वसूलेगा। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।